नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं हाल दिखाने के लिए मैं पहुंच गया हूं बिलासपुर। बिलासपुर शहर जिसे न्यायधानी कहा जाता है, आज इस न्यायधानी से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं का हाल है में अर्पा के विषय में बातचीत के साथ। अर्पा नदी जो कि बिलासपुर के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन आज खुद अर्पा जीवन के लिए तरस रही है। तो रायपुर या बिलासपुर या तमाम छत्तीसगढ़ जगहों से जहाँ जहाँ से नदियों की स्थिति बहुत बुरी हो चली है, वहाँ पे अर्पा के साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है, आज इस सवालों के साथ मैं बिलासपुर शहर के उन लोगों के साथ बातचीत करूँगा जो कि अर्पा को बचाने के लिए सालों साल से काम कर रहे हैं। मेरे साथ बिलासपुर शहर के वो तमाम लोग हैं जो कि अर्पा बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं, अलग अलग समय पर जो है ये अभियान चलाते रहते हैं। बातचीत की शुरुआत में करता हूँ CMD कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं चंद्राकर सर, उनसे जो कि भूगोल विज्ञान के ही प्रोफेसर हैं। सर, क्या है भौगोलिक स्थिति अभी अर्पा की? अच्छा, ये क्या है कि उष्णकटिबंध की एक नदी है और इस नदी का भौगोलिक आधार पर पहचान बरसाती नदी के रूप में। इसके जो स्रोत है ना, वो बरसात में ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन एक स्रोत है जो अमरकंटक की ओर, वो स्प्रिंग के रूप में है 3-4, तो उसके कारण से इसके वर्ष भर बहने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन ये है बरसाती नदी एक, इसलिए सूख जाती है। दूसरा कारण, मैं 35 साल से इस शहर में रह रहा हूँ कि आज आधुनिक कृषि और नगरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो पानी की मांग भी बढ़ा है, तो जो नदी में पानी बहता था वो अब खेतों और बाहर में बहने लग गए। फिर इसके अलावा ट्यूबवेल और अन्य साधनों की जो खुदाई हुई है उससे भी ये नदी सूखने लग गई है। तो अभी सर आपने तो इस पर रिसर्च भी किया है, क्या चीज़ें मतलब निकल कर सामने आई है उसमें, और क्या कभी उस पर कोई बातचीत प्रशासन या शासन स्तर पर हुई? नहीं, रिसर्च तो ऐसा है, 2-3 साल पहले अखबार में पढ़ने के लिए मिला था कि इस नदी के उद्गम को कई जगहों में बताया गया है। कुछ लोग खोड़री में कहते हैं, कुछ अनूपपुर अमरपुर में कहते हैं, और कुछ लोग पेंड्रा पठार में कहते हैं, कुछ मैकल श्रेणी में कहते हैं, कुछ खोंगसरा और खोड़री में कहते हैं। तब एक भूगोल के शिक्षक होने के नाते मेरे मन में आया कि भाई एक नदी की 4-6-8 उद्गम तो हो नहीं सकता, एक उद्गम होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने रिसर्च किया था, तो उस रिसर्च में पुराणों का भी अध्ययन किया। पुराण क्या है कि मैकल पर्वत की ओर बताता है उद्गम, खोड़री वालों की मान्यता है खोड़री में है करके, अमरपुर के से जुड़े हुए लोग हैं वो अमरपुर में है करके। उसका अध्ययन करने के बाद विश्व में जो भौगोलिक सिद्धांत प्रचलित है उद्गम निर्धारण के, उसके आधार पर मैंने अमरकंटक की ओर इशारा किया, जो पेंड्रा तहसील का ही एक भाग है, टवा डबरा, वो होना चाहिए उद्गम। वहाँ एक स्प्रिंग है जो 12 महीना 5 हॉर्स पावर की पानी बहता रहता है। सर, मैं देख रहा हूँ उद्गम से लेकर बिलासपुर शहर या बिलासपुर शहर से आगे तक कहीं कोई पानी का प्रवाह नहीं है। नहीं, पानी का प्रवाह है, आप उद्गम की ओर जाएं, इधर अमरकंटक से जो धाराएं आती हैं, आप आमा नाला चले जाएं, आमाडोब नाला चले जाएं, उसमें निरंतर पानी, अभी भी आप जाके देखेंगे दुर्गा धारा जलप्रपात और हंडी कुंडी जलप्रपात बढ़िया बह रहा है। ये पानी फिर वहाँ रुक जाए, क्या है बीच में बस्तियां हैं, रोक लेती है ना, खेती हो रही है, डबल फसल हो रहा है, तिबल फसल हो रहा है, उद्वहन सिंचाई होती है, पानी बाहर चली जाती है तो यहाँ तक नहीं आ पाती है। ये है डबल फसल, अभी कौन सी इलाके में? पूरे इधर ऊपर चले जाइए आप यहाँ से। मुझे तो लग रहा है वो सब्जी की खेती करने वाले भी परेशान है, अभी खेती नहीं कर पा रहे। नहीं, सब्जी की खेती करने वाले ट्यूबवेल साधन का आप देखिए अब सब, और वो उत्खनन तो इतना है सर कि कहीं पे मुझे लग रहा है कि गड्ढों में तब्दील है अर्पा। नहीं, वो तो हुआ है उत्खनन, मैं कह रहा हूँ ना कि जनसंख्या बढ़ी है, नगरों की मांग बढ़ी है, इस कारण से उत्खनन तो बढ़ा है, इसका एक एक प्रभाव है। दूसरा, खेती भी अधिक बढ़ गया है, इसके कारण से भी हो रहा है। तीसरा, उद्गम जो क्षेत्र जहाँ से इसको एक बेसिन है, अर्पा उस बेसिन की मुख्य नदी है, तो इसको जिन जिन स्रोतों से पानी मिलता है उन स्रोतों में भी जनता ने प्रभावित किया है, वहाँ पर भवन निर्माण होने लगे, जंगल कटने लग गए। अर्पा की बर्बादी के पीछे हम ही लोग हैं, मनुष्य ही है, मनुष्य ही है। क्या बोल रहे हैं आप जो है, क्या आपने पाया अपने जो है अभियान के दौरान, और आप कितने वर्षों से जो है आप इस अभियान से जुड़े हैं? लगभग हम 5-6 सालों से अर्पण महाअभियान की स्थापना किए हैं और लगातार अर्पा माँ की सेवा कर रहे हैं। अर्पा मैया को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है कि तटों पे पौधारोपण अधिक से अधिक जितना किया जा सके करें, ताकि जैसे सर ने बताया कि वाटर लेवल गिर रहा है, तो पेड़ ही है जो नेचुरल पंप की तरह काम करते हैं और वाटर लेवल को ऊपर लाते हैं। साथ ही हरियाली आने से बरसात होने की भी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जिस तरह से इंसानों ने तबाह किया है अर्पा माँ को, उसका कारण है कि रेत का उत्खनन।
कोई भी नदी जो होती है उसकी चमड़ी होती है रेत, रेत में धारित क्षमता होती है कि वो अधिक से अधिक दिनों तक जल के लेवल को, स्तर को बनाए रखे। चूँकि हम चमड़ी ही निकाल लेंगे, प्रकृति देने में कमी नहीं करती। सर के एक बात से मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि जो मैकल श्रेणी है वही उद्गम है, क्योंकि पूरा पेंड्रा का पठार ही हम उद्गम मान सकते हैं। तो ये अंतः सलीला है और ये पानी का जो स्रोत है वहाँ से जब बह के निकलती है, तो इसको बेहतर होगा कि हम अगल बगल, नदी के अगल बगल ढेरों तालाबों का निर्माण करें, साथ ही वृक्षारोपण करें, तो ये बहुत ही जल्द जो है नदी जो है अर्पा मैया अपने पुनः रूप में आ जाएगी। कारण ये होता है पानी का निकल जाने का, क्योंकि ये पानी ढलान की ओर है, पहाड़ से लेकर ऐसे नीचे ठाकुर चुहा से होकर शिवनाथ में मिलती है, तो पानी तो आती है पर उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं। हम एनी कट, चेक डैम इस तरह से बनाते हैं जो पानी को रोक के सड़ाता है, आगे के पानी को नहीं बढ़ने देता। अगर हम यहीं पे गैम्बियन स्ट्रक्चर लगाएं या फिर रेत के उत्खनन को पूरी तरह बंद करके उसे करें, तो नदी का जो है धारित क्षमता बढ़ेगा, बारहमासी पानी रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वृक्षारोपण पहला, दूसरा तालाबों का निर्माण, तीसरा गैम्बियन स्ट्रक्चर जो होता है, जो छोटे पत्थर, बड़े पत्थर और उससे बड़े पत्थरों का ऐसे श्रृंखला बनाए जाते हैं जिसे हमारे पूर्वज खेती करने के लिए नदी के पानी को रोका करते थे। आज भी हमें उसी चीज़ की आवश्यकता है। अच्छा सोमनाथ भैया, ये बताइए कि ये जो बात कह रहे हैं कि चेक डैम और स्टाफ डैम एनिकेट, इससे जो है काफ़ी प्रभावित हुई नदी, उत्खनन से जो है कितना प्रभाव पड़ा है? उत्खनन से ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। जिस प्रकार से बेहतर ढंग से रेत निकाली जा रही है, और वो उसके जगह में जो पेड़, अभी इन्होंने बात के पेड़ नहीं लगाया जा रहा, उसका मूल कारण है। जितने भी नदी नाले हैं, लगभग 40 नदी नाले हैं छोटे बड़े, जो अर्पा नदी में आकर समाहित होते हैं, और उसमें बिलासपुर का एक ज्वाली, जिसको हम नाला बोलते हैं, छोटे बरसाती नाला है, उसका उदय पत्रकार कॉलोनी से हुआ है, वो भी एक बरसाती नाला जिसको शहर का आज गंदा पानी उसमें डाला जाता है। तो इस प्रकार से 40 नदी नाले लगभग 165 किलोमीटर के उद्गम से संगम तक के इस किलोमीटर में शामिल है, और लगभग सभी नदी नालों के जो संगम स्थल है वो उद्गम स्थल है, वहाँ पर बेजा कब्जा है। सिंचाई विभाग के पास करोड़ रुपया हर वर्ष आता है नदी के लिए, लेकिन वो कहाँ जाता है वो विभाग ही बता पाएगा। हम लगातार 18 वर्ष से एक जनजागरण अभियान उद्गम से संगम तक चला रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो सबसे बड़े कटाव, दोनों ओर कटाव हो गया है, किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन कटाव में बह कर जा गया है, उस कटाव को रोकना पड़ेगा। दोनों ओर पेड़ लगाने की आवश्यकता है। खेत, नदी किनारे में खेत नहीं है, ना ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल सिर्फ उद्गम स्थल पर है, जहाँ पर 5-6 ट्यूबवेल अमरपुर पेंड्राज स्थल एक वार्ड है वहाँ पर, और इस वजह से ही वह उद्गम स्थल ख़त्म हो गया, और वहाँ का मिसल नहीं होने के वजह से आज स्थिति यह है कि वहाँ पर वो एक व्यक्ति ने उसको अपना जमीन करके वो उसको बेच भी दिया। तो ये दुर्गति है लगभग लगभग सभी उद्गम क्षेत्र की स्थिति है। आप बिलासपुर में आके देखिए कि जैसे जैसे बिलासपुर के अंदर आप घुसेंगे, आप भयानक स्थिति आपको देखने को मिलेगा। आज इतनी गर्मी यहाँ, नहीं तो आज मैं यहीं पैदा हुआ हूँ नदी किनारे में, हम लोग को ये चाहे कि जो हाँ यहाँ गर्मी में भी झिरिया हुआ करता था, घुटना इतना पानी रहता था, और हम तैरते थे, और मछली इतना साफ पानी होता था, मछली भी पूरा अंदर दिखाई देता था। और यहाँ जितना भी हमारे केवट भाई लोग हैं, जूना बिलासपुर क्षेत्र चालू हो जाता है, वहाँ पर वो कांदा, कोचई, खीरा, ककड़ी, बरबटी सारे उगता था, और रात के समय ठंड में, इतना ठंड रहे गर्मी में कि हम सो नहीं पाते थे। आज अब दिन में, अब रात में चले जाइए, रात में बहुत नहीं तपती मिलेगा, दिन में यहाँ पर देखें कितनी अभी गर्मी है। तो ये हम सबकी वजह से हुआ। आप चूँकि 18 वर्षों से इस अभियान से जुड़े हुए बता रहे हैं, 18 वर्षों में क्या कभी कोई प्रशासन, सरकारों ने कोई इस तरफ उतना नहीं, कभी ध्यान नहीं, अभी लेकिन, कुछ लेकिन बात तो हमेशा इस पर टेम्स बनाने की बात होती है, बात होती है, फाइल में होता है, फाइल खेला जाता है। हमने जब मांग की गई तो अर्पा विकास प्राधिकरण भी बना, उसके बाद वो कहाँ है आज अर्पा विकास प्राधिकरण, फाइल तक ही रहा, वो फाइल ही खेला जाता है, वो कहाँ है वो फाइल और कहाँ है वो कागज करवाई और कहाँ है अर्पा नदी, आपको सब दिखाई दे देगा। स्मार्ट सिटी की बात होती तब तो हम रिवर व्यू को दिखा दे, अब वो स्मार्ट सिटी दिखाइए क्या स्थिति है स्मार्ट सिटी की, आप थोड़ा सा दिखाइए इधर क्या गंदगी है। तो ये कहना कथनी और करनी में अंतर है, और विकास के अंधी दौड़ में हम न इधर के हैं न उधर के, हम बीच में अधर में लटक गए हैं। विकास किसको बोलते हैं, विकास की परिभाषा क्या, बोलते नहीं विकास के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, जंगल कट रहे हैं, पेड़ों काट रहे हैं आप, रेत उत्खनन कर रहे हैं, पानी च नहीं रहेगा, पेड़ ही नहीं रहेगा। ये बात मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ, चूँकि आप पत्रकार भी हैं, ये जो कह रहे हैं सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, चेक डैम से लेकर स्टाफ डैम और उत्खनन, इस पर क्यों रोक नहीं लग पाई, क्या आप इसके पीछे क्या मजा मानते हैं?
मैं से मानता हूँ ये हमारे जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है, उनकी दृढ़ शक्ति के अभाव में ऐसा हो रहा है। कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, पिछले कार्यकाल उसके पहले कार्यकाल में अखबारों में बड़ी टेम्स नदी की फोटो छाप के हमको दिखाया जाता था कि अरपा इस रूप में बनेगी, तो हुआ कुछ नहीं। तो टोटल कुछ तो हुआ होगा, लेकिन आप सामने हैं अरपा, आप देख लीजिए, सब वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं, ऐसा कुछ भी काम आज तक नहीं। हाँ, इस साल अभी दो चेक डैम हम बनते देख रहे हैं, एक पचरी घाट साइड और एक शिव घाट में। इस चेक डैम से उससे कुछ स्थितियाँ उससे उम्मीद है कि पानी का रुकाव होगा तो शहर का जल लेवल कुछ उठेगा बढ़ेगा। हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि अरपा नदी के कटाव को रोके और किनारे में वृक्षारोपण करें, जैसे श्याम मोहन भाई ने बताया, प्रकाश सुंदेले जी भी लगे उस काम में कि कटाव किस तरह रुके और नदी के किनारे पौधा उद्यान लगाकर जल स्रोत को बढ़ाएं और ये जो मिथ्या है अंता सलीली का उसको तोड़ते हुए वाई सलीला अरपा के रूप में विकसित हो, ये हमारी भावना है। हरियर ऑक्सीजन एक संगठन है जो यही काम पिछले 4 साल से कर रही है। कटाव को रोक पाने में कितना सफल रहे हैं? कटाव को रोक पाने में पिछले सरकार ने लाइनिंग भी बनाई थी, ये तो फैलते ही जा रहा है जो है और गांव तक जो है पहुंच चुका है ये जो है। रेत खनन पर किसी का अंकुश नहीं है, शासन प्रशासन इवन मुख्यमंत्री ने भी विशेष आदेश कर चुका है कि रेत खनन रोकी जाए, लेकिन अभी भी आप जाइए कोनी साइड या सेंद्री साइड, ये रेत खनन दिन रात होते रहते हैं। रेत खनन की वजह से किनारे की जो रेत वो निकाल ले जाते हैं, जब बारिश आता है तो वो तेज बहाव की वजह से जो नदी का किनारा हिस्सा है हर साल 1.5 से 2 फीट अंदर आ जाता है। इस किनारे में हम लोग जो पौधारोपण किए हर साल 150-200 पौधे अपने आप नदी में समाहित हो जाता है, नदी का साइज बढ़ जाता है और कटाव बढ़ते जाता है। कटाव के लिए एक समय लाइनिंग का भी काम हुआ था यहाँ, लाइनिंग की दुर्दशा है कि कटाव तो लाइनिंग जल संसाधन ने किया, उसके नीचे से रेत खनन किया और लाइनिंग जो है औंधे मुँह नदी में गिर गई, तो करोड़ों के सरकार के नुकसान अलग हुई। तो ये टोटल रेत खनन का है, खनन रुके तो जाहिर बात है हमारी अरपा सुरक्षित रहेगी। आपने सर अरपा को पहले इससे पहले अच्छा आपने बोल लेंगे, खैर मैं आ रहा हूँ, मैं जो है चंद्राकर सर के पास भी आ रहा हूँ, मैं सवाल करूँगा। एक सवाल सर ये है कि जो चेक डैम स्टाफ डैम एनिकेट इसकी बात होती नदियों के लिए कितना ज़रूरी है? अब ये तो वैज्ञानिक आधार पर मान्यता प्राप्त है कि चेक डैम और स्टाप डैम बनाने से जो बरसाती पानी है रुक जाता है, तो उससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है, साथ में वो रुका हुआ पानी को हम ग्रीष्मकाल में जब पानी कमी होती है तो उपयोग कर लेते हैं, तो कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस नदी की सदा नीरा बनाने की तो सब मिल करके प्रयास करें, सरकार भी प्रयास और जनता भी। उसमें एक बात ये भी आती है, जलविद हैं बहुत प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह जी, वो कहते हैं कि बेहताशा एनिकेट चेक डैम ये तो नुकसान है नदियों को, हम नदियों को जो है तालाबों में तब्दील कर दे रहे हैं, छोटे गड्ढों में तब्दील कर। अब किसी भी सिद्धांत पर दो तरह के मत होते हैं, लेकिन दुनिया के अधिकांश वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि चेक डैम बनना चाहिए, उससे जो खास तौर पर उष्णकटिबंध है जहां पर बरसात एक निश्चित मौसम में होती है, उन स्थानों पर बरसाती पानी को रोकने के लिए वही एक माध्यम है। और केंद्र सरकार की योजना भी चल रही है केस द रेन वाटर और छत्तीसगढ़ शासन की नरवा गरवा योजना चल रही है, तो वो सब तो मान को लग रहा है कि उससे बात बनेगी अरपा में? बिल्कुल बनेगी बात, जीरो से तो अच्छा ही है, कुछ नहीं करने से तो अच्छा ही है, बात बनेगी। आइए जरा जो है पचरी घाट में एक बात बोलना चाहूँगा, ऐतिहासिक है पचरी घाट, इतिहास का है किलावाड़ पचरी घाट, इतिहास है, आज उसको ख़त्म किया जा रहा है चेक डैम के नाम से, और वो जो जगह है वो उथली है जहाँ पर चेक डैम बनाया जा रहा है, तो वो कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उनके नियम नहीं है, जो जब आए बना दो, और वही जगह वही काम किया जा रहा है अरपा नदी में जहाँ पर पैसा है, जहाँ पर अधिकारियों को नेताओं को पैसा मिलेगा, ये विकास पर मापदंड नहीं है, इससे कोई अरपा नदी का संरक्षण नहीं होने वाला है। अरपा नदी में अगर संरक्षित करना है तो ये देखिए सामने ये क्या स्थिति है, ये स्थिति है, इसको ठीक करना पड़ेगा तभी जाके विकास हो संस्कृति अपना अरपा नदी। लेकिन अगर हम तोरवा में देखते हैं, तोरवा में आगे जो है डैम एनिकेट है तो पानी तो लेकिन उसमें गंदे पानी, पूरे गंदे पानी है, इतना बदबू है वहाँ, खुजली आप नहा नहीं सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते, पूरे गंदा पानी है, शहर के जितने भी नाली के गंदे पानी है वहाँ है। जब तक आप शहर के गंदे पानी निकालने की निकासी की व्यवस्था नहीं करेंगे अरपा नदी में आप कुछ भी कर लें, चेक डैम बनाने यहाँ पे भी अगर बना देंगे तो उससे कोई बात कोई कुछ नहीं होने वाला है, साबरमती की तरह नहीं दिखाई देगा। नहीं है ये विकास, नहीं है ये पैसे का विकास है, ये कुछ लोगों को पैसे का विकास हो जाएगा, उनकी घर भर जाएगी, बाकी अरपा नदी वो जस के तस रहेगा। मैं लिख के दीजिए, मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ। सर ये बताइए, आप तो बड़े बताते हैं कि वृक्षारोपण करते रहते हैं, आपका क्या मानना है अरपा कैसे बदलेगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिलासपुर का नाम जो बिलासपुर ऐसे पड़ा कि एक बिल्ला, जो अपन छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, एक बिल्ला में यहाँ पर पानी हुआ करता था, इसलिए इसका नाम बिलासपुर पड़ा। अच्छा। सारा खेल जो है यहाँ हमारे बिलासपुर वासियों का, जो आसपास इस नदी से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख की जनसंख्या ऐसी है जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इस नदी से जुड़ी हुई है। इस नदी का जल स्तर अगर साफ रहेगा और बारामासी रहेगा तो हमारे बिलासपुर में हर जगह पानी रहेगा। अब बिलासपुर में ऐसी स्थिति हो गई कि कहीं कहीं पे 300-400 फीट में पानी नहीं है। हम लोग जितने भी हम सब बिलासपुरवासी प्रयास करके बड़े बड़े वृक्ष जिनका वजन 30 से 50 किलो 2 से 3 साल उनकी उम्र होती है और 10 से 12 फीट हाइट होती है, उसको हम अपने प्रयासों से हर घर के सामने लगाने का की कोशिश कर रहे हैं और उससे सुधार भी देखा गया है। मगर यहाँ पर अगर अर्पा नदी में अगर सही तरीके से, मतलब शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं या उनकी प्लानिंग में या और क्या कारण है समझ में नहीं आता। मेरे मोटा मोटी मैं जितना समझ पा रहा हूँ 6 सालों से कि अब प्रकृति की ओर जाने का समय आ चुका है। मतलब आप जितनी भी धन संपदा इकट्ठा कर लो, पैसा इकट्ठा कर लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला। जब आपको चैन की सांस नहीं मिलेगी, आपको पानी नहीं मिलेगा, तो आपको पैसा किस काम का। तो अब हमें विकास नहीं, चैन की सांस चाहिए। एक आप तो वृक्षारोपण के अभियान से जुड़े हुए हैं, मैं ये देख रहा हूँ शहर के दोनों छोर पे जो है अर्पा, यहाँ पे पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं, मतलब है नहीं। हमारे जब पूर्वज थे वो अक्सर देखते थे कि नदी हो, तालाब हो, ऐसी जगहों पर जो है किनारों पे वृक्षारोपण जरूर करते थे। आपको क्या लगता है क्या कमी, मतलब आप अकेले जब कर सकते हैं तो पूरा प्रशासन भी? नहीं, बात यहाँ अकेले की नहीं है। जैसे हरियर ऑक्सीजन क्षेत्र हो गया, हमारे श्याम भाई जो है अर्पा अर्पण में कर रहे हैं, हम सब मिलकर आपस में पिछले 5-6 साल से नदी के किनारे वृक्षारोपण तो कर ही रहे हैं और नो डाउट उसका फर्क भी धीरे धीरे लोगों में दिख रहा है। मगर यहाँ पर अब ये जो लड़ाई बोल लो या जो भी बोल लो, ये अब क्या है कि कोई एक ग्रुप आदमी नहीं कर सकता, मतलब वो अब सबके जहन में आना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मिट्टी की कोई दिक्कत है, पानी की कोई समस्या है कि हम जो है वहाँ पे नहीं रोप पा रहे हैं, ऐसी कोई बात? हाँ, यहाँ पर जैसा हरियर ऑक्सीजन क्षेत्र में हम लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं तो जो डेवलपमेंट पेड़ों का 1-2 साल में नॉर्मली कंक्रीट रोड में लगाने से मिल रहा है वो वहाँ पर मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे मिट्टियों का उतना ज्ञान नहीं है। मगर कुछ ना कुछ है जो जिस तेज़ी से पेड़ों को बढ़ना चाहिए वो तेज़ी नहीं मिल पा रही है पेड़ों को मिल पा रही है। सर क्या है सर अर्पा का हाल अभी? अर्पा का हाल तो आप जो देख रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि मीनार जो ऊँची उठ उठ कर आकाश से करती समझौता, नीचे की उसको खबर नहीं, ईंटों ने बगावत कर दी है। आज हम उन जगहों को पोषित कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना पेड़ के जड़ को ना सींच करके तने फूल पौधे को सींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अभी जो भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि बिलासपुर का नाम एक बिल्ला पानी से हुआ, ऐसा नहीं है। इतिहास की जो जानकारी रहती है, यहाँ वीर बिलासा जो कैप्टन हुआ करती थी उसके नाम से बिलासपुर का नाम रखा गया, गजेटियर में भी है, तो कुछ तथ्यों की जानकारी भी रहनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक के अर्पा के उद्गम से लेकर के संगम तक के संवारने की बात नहीं होगी, हम बार बार ये कहते हैं कि आज अर्पा का उद्गम बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि हम शहर में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में कोई कर दे, कर लेने से कोई विकास नज़र नहीं आता। वो स्रोत जहाँ से है पानी का, जैसे 50 से 60 नाले इस अर्पा पे आते हैं जो अर्पा को पोषित करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि हमारे पुरखौती जैन कहिस वही जगह अर्पा के उद्गम है, ये माने जाए। वो हम मेरी भी उम्र 65-67 साल हो गई है, मैं आज से 50 साल पहले भी उस उद्गम को देखा हूँ जहाँ इतना दलदल रहता था कि बड़े बड़े भैंस डूब जाया करते थे। अमरपुर का जो स्थान है वो वहाँ से जल स्रोत निकलता था, अनवरत जल स्रोत निकलता था और उसमें आकर के फिर पुरवाली नाला और माटी नाला, तमाम किस्म के जो नाले हैं वो आकर के आपका चांपी नाला, ये उसको पोषित करते थे। आज स्थिति ये है कि जितने भी नाले हैं, आप चांपी जलाशय के चांपी नाले के पास चले जाइए जहाँ से चांपी को पानी मिलता है, पहाड़ जहाँ से उद्गम, वहाँ तक लोगों ने कब्जा कर लिया है, खेती करने लगे हैं। तो हमको जो बेसिक पानी मिलना चाहिए वो पानी तो मिल नहीं रहा है। यहाँ बांध बना के कितना उसको रोक पाएंगे पानी? ठीक है, बरसात का पानी रुक जाएगा, अभी तो देखें ना आपके एक बांध जो बना हुआ है देवरी खुर्द के पास में, वो पानी की क्या स्थिति है। दूसरी बात, यदि जब तक के इस नदी में शहर के गंदे नालों के पानी को रोका नहीं जाएगा, ये विकास की बात
बेमानी है। अभी है ये नाले के पानी आ रहे हैं, गंदे नाले के पानी, बिल्कुल पानी आ रहा है। आप देख लीजिए कहाँ पे, नहीं मंगला से लेके उधर से मंगला से लेकर के सबसे बड़ा तो जवाली नाला है। आज जो जो बोल रहे हैं ना जावाली, एक्चुअल में जो जाबानी नाना कभी किस समय कहते थे कि जावाली ऋषि की वो तपस्थली है जहाँ पे आके तपस्या किया करते थे, इसलिए उसका नाम जावाली के नाम से पड़ा, जावाली नाला। अब आज उस ऋषि के नाम पे वो नाला जो बह रहा है वो शहर का सारा गंदगी ला के देख रहा है। आपके सामने थोड़ी दूर जाएंगे तो सनेचरी के पास में इधर SECL का जो बड़ा नाला आके मिलता है। ये सब तमाम नाले जब तक इनको रोकेंगे नहीं तो पानी साफ कैसे मिलेगा। बड़े बुजुर्गों के पास, युवाओं के पास आते हैं, युवा क्या सोच रहा है बिलासपुर, क्या है उनका इन्वॉल्वमेंट पर्यावरण को लेकर, नदी को लेकर? देखिए मैं सबसे बुनियादी चीज़ पे आना चाहूँगा कि आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ अरपन नदियाँ ही नहीं, अरपन नदी नहीं बाकी नदियाँ भी ऐसा है कि बारिश के समय बहती हैं और उसके बाद बहना रुक जाता है। ऐसा तो पहले नहीं था 20-25 साल तक के पहले तक, तो उसका बुनियादी कारण क्या है? ये मतलब साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है ये चीज़ कि पहले हो क्या होता था, सघन जंगल होते थे। अब पूरे क्षेत्र में, मतलब मैं बड़ों से सुना हूँ कि बिलासपुर के इस क्षेत्र में भी पूरा जंगल था इस पूरे बेल्ट में, रिवर के बेल्ट में, तो उद्गम से लेके पूरे क्षेत्र में जंगल ही जंगल होते थे, पेड़ बहुत होते थे। तो पेड़ों से क्या होता था, बारिश के समय पेड़ पकड़ के रखते थे, नमी को मिट्टी में पकड़ के रखते थे। तो वो चीज़ जब ठंड के समय आता था और जब और गर्मी का समय आता था तो वो पानी वापस मिट्टी से नदियों में रिसता था, और उसके कारण नदियाँ गर्मी में भी बहती थीं, क्योंकि ये तो ग्लेशियर वाली नदी है नहीं जो बर्फ़ से इसका स्रोत होगा। तो वापस मिट्टी की नमी की वजह से नदी में पानी आता था और वो बहती थी। तो सबसे बड़ा बुनियादी कारण ये है कि जंगलों का कम होना। अभी बोल रहे हैं कि हसदेव में भी जंगल कटने वाले हैं, अब पता नहीं उसका क्या और क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ ये होनी चाहिए कि पौधारोपण सघन हो और नदियों के दोनों ओर आधे से एक किलोमीटर के एरिया में सघन हो, पूरे क्षेत्र में उद्गम से लेके पूरे, तब तो हाँ संगम तक, तब तो नदी वापस बहना शुरू होगी। ये तो है ही, अब चेक डैम बना देंगे पानी नहीं रहेगा या फिर पानी सूख जाएगा एकदम जल्दी, जैसे तालाबों में आजकल सूख रहा है, तो नदी का फिर चेक डैम का काम ही क्या है फिर? अभी आप देखेंगे तालाब सूख जा रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं तालाब? क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त नमी है नहीं, तुरंत सूख लेता है। 10 साल 15 साल पहले तक या मोटा मोटा 20 साल पहले तक ऐसा माने कि मिट्टी में इतनी नमी होती थी कि पानी नीचे नहीं जाता था, तालाब में ठहर जाता था गर्मी के दिन में भी। अभी आप देख लीजिए, तो सबसे पहला चीज़ जो होना चाहिए वो होना चाहिए पौधारोपण, सघन पौधारोपण। बाकी भी है, ज़रूरी है, ये तो रेत उत्खनन तो बिल्कुल रुकना ही चाहिए, उसके अंदर का जो इकोसिस्टम है वो पूरा बर्बाद होने लगता है। अच्छा ये बताइए मेरे को, जैसे अभी इसमें एक निर्माण कार्य चल रहा है, शायद वो सड़क बन रही है मेरे ख्याल से, उससे क्या होगा अरपा का? उसे कुछ नहीं होगा, भला होने वाला है? देखिए भला तो नहीं होगा, सिर्फ सुंदरता आएगी। क्योंकि ये एक बार तरह से रिटर्निंग वॉल भी कह सकते हैं कि कटाव नहीं हो पाएगा, बाकी ये सिर्फ सुंदरता का काम है। और पानी अगर रहेगा तभी इसकी सुंदरता और बढ़ेगी। साबरमती की तरह देखेंगे? देखिए मैं सिर्फ अरपा को अरपा मैया की तरह ही देखना चाहूँगा। बचपन में हमारी बहुत सारी यादें हैं इसमें, और जिस तरह से शासन और भी कुछ काम कर रही है, जैसे यहाँ पे पुल है, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे वो सबसे पुराना पुल है, अभी वो 96 ईयर ओल्ड हो गया है, आगामी 2026 में वो पूरा 100 साल का हो जाएगा। उसके ऊपर से पाइपलाइन बिछाया गया है। बेहतर होता है कि इसको स्मारक ढंग से, हमने प्रोटेस्ट भी किया था अर्पण महाभियान ने, कि वो पाइप को ना उसमें डालें, क्योंकि वो अगर आप उसे बोल रहे कि वो एक्सपायर्ड हो गया है, वो तो अगर तो उसके ऊपर से लाखों गैलन पानी आप जब बहाएंगे तो एक्सपायर्ड जो वो है पूल, उसकी क्या हालत होगी? बेहतर होता कि उसे दोनों तरफ से लॉक किया जाता और बीच में योगा करने के लिए, बड़े बुजुर्गों के बैठने के लिए उस चीज़ों को की जाते, संसाधन अब जो हमारे हैं उसको संजोना चाहिए। अरपा में तो पानी चाहिए ना, अब हमको अरपा में पानी चाहिए, 12 महीना पानी जल आपूरित पानी था, जैसे बोलते हैं ना कि गर्मी के दिनों में भी यहाँ थोड़ा सा खोद लेने के बाद पानी मिलती थी, अब आज तो देखिए पूरा खंडहर दिखाई देता है। तो विकास जरूर हो रहा है, लेकिन अरपा के हिसाब से जो पानी को लेकर जो बात होनी चाहिए, वो पानी अरपा पे
पानी आना चाहिए। सड़क बनाइए, स्मार्ट बनाइए, वो अलग विषय है। सड़क बनने से हड़प्पा का विकास संभव नहीं है। प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन इसके संगम को लेकर भी इतिहासकारों में मत भी भिन्नता है। चार स्थान पर संगम बताए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिलहा तहसील के मटियारी गांव में शिवनाथ नदी में नदी हड़प्पा नदी मिली है। अब उस बात को भी आगे लाने, बच्चों को पढ़ने लिखने में और टीचर को पढ़ाने में असुविधा होती है, और उसी तरह से उद्गम को भी 8-9 स्थानों पर बताया गया है। तो एक उद्गम एक नदी की होनी चाहिए और एक संगम होनी चाहिए, लेकिन ये विवाद को हल करना चाहिए और वैज्ञानिक आधार पर ज़्यादा अच्छा है। लोकमान्यताओं का भी एक महत्व है, लेकिन लोकमान्यता जमीन पर दिखे तब ना। तो ये हमारा मानना है, विकास के प्रयास हो रहे हैं और ये उष्णकटिबंधीय नदी है, बरसाती नदी है, और विकास के प्रयास से निश्चित तौर पर इसके नदी का उद्धार होगा, बहेगी ये। तो विकास करिए, भरपूर विकास करिए, विकास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आप अपने धरोहर को इस तरह से मिटाते चले जाएंगे और हड़प्पा को आप जो है समय पर बचा नहीं पाएंगे, तो फिर हड़प्पा आपको इसी तरह से दिखाई देगा जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं। आप इस हड़प्पा को सोचिए कि सालों पहले जिस हड़प्पा की जो है यादें जिनसे जुड़ी हुई है लोगों की, वो हड़प्पा और इस हड़प्पा में कितना अब अंतर है। सरकारें जो है बदलती रही, लेकिन हड़प्पा कभी जो है बेहतर नहीं हो पाई है। हड़प्पा की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। अब एक प्रयास तो हो रहा है कि हड़प्पा को सजा या सवार लेंगे। यहाँ पर आने से, बिलासपुर आने से लोग जो है रिवर व्यू में आते हैं और यहाँ की जो चकाचौंध रोशनी है उसमें वो खो जाते हैं, लेकिन आप जब दिन के उजालों में आएंगे तो आपको हड़प्पा इसी तरह से दिखाई देगी। ये बंजर जो है ज़मीन और यहाँ से अवैध तरीके से उत्खनन जो हो रहा है, वो चीज़ें, वो तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। अब सवाल यही उठ रहा है कि बाकी में क्या सामाजिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, शासकीय तौर पर जो है कमी किस स्तर पर और कहाँ पर हो रही है? क्या उन कमियों को जो है हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दूर नहीं कर पा रहे हैं? और क्या हड़प्पा में हम वो बहाव, वो पानी देख पाएंगे जैसे कि सालों पहले देखते रहे हैं? आखिर हड़प्पा का हाल बदहाली से जो है कैसे बेहतर हो पाएगा, इसका इंतज़ार सबको है। का हाल है, मैं आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।